सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। पुलवामा हमले में शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने आजाद पार्क में एकत्रित होकर कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा हमले में शहीदों को याद करते हुए नगर के युवा शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को याद किया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पिछले वर्ष 14 फरवरी का दिन भारत के लिए काला दिन था। इस दिन आतंकियों ने कायरता दिखाते हुए गाड़ी से जा रहे वीर जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें 44 सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद भारत ने भी अपने जवानों की शहादत का बदला लिया था, लेकिन जिन्हें हम खो चुके हैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकते। श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष राघुराज प्रताप सिंह ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया और 2 मिनट का मौन रखा। इसलिए निकालना कि हमारे देश के शहीद कहीं ना कहीं देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उन्हें धोखे से मारा गया है, और इन शहीदों के लिए हम उनको सतत नमन करते हैं। और हम युवाओं से एक ही बात कहते हैं कि हमें इन शहीदों के लिए निकल के आना पड़ेगा और हम उनको सच्ची दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।